हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 8 के लिए टीसूज लेके आए। टीसूज मीन्स उत्तक लेके आए क्लास 8 के लाइफ साइंस से, जो कि मैंने पहले भी एक दो वीडियो डाल रखे हैं। दो दो या तीन वीडियो हैं, उसमें आप सेल्स से रिलेटेड है। और आज मैं टीसूज लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, क्लास 8 के लिए है। क्लास 8 के लिए जो क्लास 9 में भी टीसूज हैं और क्लास 8 में भी टीसू है। तो क्लास 8 में जस्ट इंट्रोडक्शन दिया गया है, मीन्स बहुत सारे टाइप्स नेम दिए गए हैं। तो क्लास 8 के इशूज सॉरी क्लास 8 के टीसूज भी आप देख सकते हैं, और उसके बाद हम लोग 9 के लिए भी लेके आएंगे बहुत जल्द। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं उत्तक से। उत्तक किसको कहते हैं, उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, आज हम लोग मेनली जानेंगे प्लांट टिश्यूज के बारे में, मीन्स पादप उत्तक के बारे में। ठीक है, मैंने कोशिश किया हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों को समझ में आए। स्टार्ट करते हैं उत्तक से। हमारा जो शरीर बना हुआ है कोशिकाओं से मिलकर बना है, हम लोग सभी जानते हैं कोशिकाओं से मिलकर हमारा पूरा शरीर बना है। करीब बहुत सारे मिलियन 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 कोशिकाओं का समूह होता है, लेकिन जब कोशिकाएं जब एक साथ जुड़ती हैं, एक साथ मिलती हैं, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग उत्तक कहते हैं। यानी कि जो सेल होता है, एक एक सेल है, एक एक सेल है, एक एक सेल है, जब ये जुड़ जाते हैं तो इनको बनाता है उत्तक। ये टोटली मिल के क्या बनता है, उत्तक बनता है। यानी कि कोशिकाओं के उस समूह को कहते हैं उत्तक, जो आकार और रचना में एक समान होते हैं और सामूहिक रूप से एक ही प्रकार का कार्य करते हैं। ठीक है, इनका कार्य भी एक ही प्रकार का होता है जो, और बाद में उत्तक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं। फिर अंग आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, तंत्र बनाते हैं। और पूरा तंत्र मिलकर क्या बनाता है, एक पूरा शरीर की रचना होती है। यानी कोशिका से क्या बना उत्तक, उत्तक से क्या बना अंग। यानी जितना उत्तक मिलाते जाएंगे, कोशिकाओं के समूह मिलता जाएगा तो उत्तक होगा, उत्तकों का समूह मिलता जाएगा तो अंग बनेगा, अंग का समूह बनता जाएगा। समूह समझ रहे हैं ना आप लोग, समूह में एक एक से ज्यादा अंग, एक साथ बहुत सारे अंग काम करेंगे तो तंत्र कहलाएंगे, और एक साथ बहुत सारे तंत्र मिलकर क्या बनाएंगे, हमारे पूरे शरीर की रचना बनाएंगे। यानी चाहे वो पादप उत्तक हो, चाहे वो मतलब मीन्स प्लांट के बारे में बात की जा रही हो, या फिर एनिमल्स के बारे में बात की जा रही हो। सेल बनाता है टिश्यूज, टिश्यूज से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, उसके बाद बनता है ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो एक ग्रुप ऑफ सेल्स यूजुअली सिमिलर इन स्ट्रक्चर, एक ही जैसी रचनाएं होती हैं, एंड ऑरिजिन दैट वर्क टुगेदर, एक साथ काम करके टू परफॉर्म ए पार्टिकुलर फंक्शन, जो एक पार्टिकुलर फंक्शन, एक पार्टिकुलर काम करते हैं, उसको टीसूस कहा जाता है, यानी उत्तक कहा जाता है। ठीक है, हम लोग जानेंगे यहाँ पर सिर्फ पादप उत्तक के बारे में ही। उसके बाद हम इस वीडियो में पादप उत्तक के बारे में जानेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे एनिमल टिश्यूज के बारे में। ठीक है, तो पादप उत्तक क्या होता है, जो प्लांट के भीतर जो उत्तक काम करते हैं उसको पादप उत्तक कहते हैं। प्लांट टिश्यूज मेनली टू टाइप्स ऑफ होते हैं, हम दो प्रकार के प्लांट टिश्यूज होते हैं। पादप उत्तक दो प्रकार के होते हैं, प्रविभाजी उत्तक या विभाज्य उत्तक, जिसको मेरिस्टमैटिक टिश्यूज भी कहा जाता है। ठीक है, प्रविभाजी उत्तक या विभाज्य उत्तक, अस्थाई उत्तक या फिर परमानेंट टिश्यूज कहा जाता है। ठीक है, प्लांट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, मेरिस्टमैटिक परमानेंट, यानी विभाज्य या प्रविभाजी या फिर अस्थाई उत्तक। ठीक है, मेरिस्टमैटिक टिश्यूज किसको कहा जाता है, हिंदी में इसको प्रविभाजी या विभाज्य उत्तक कहा जाता है। मेरिस्टमैटिक टिश्यू यानी जिस उत्तक की कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है, विभाजन मीन्स इनका अपना खुद ये बट सकते हो, उसको हम लोग प्रविभाजी उत्तक कहा जाता है। यानी कि सेल्स आर कैपेबल ऑफ डिवीजन, जो अपने जो जिनकी विभाजन की क्षमता हो उसको हम लोग परिविभाजी उत्तक या विभाज्य उत्तक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बारे में और अधिक हम लोग डिटेल्स में जानेंगे, पहले ये टाइप्स पढ़ लेते हैं। उसके बाद परमानेंट टिश्यूज किसको कहा जाता है, मैच्योर सेल्स, इनकैपेबल ऑफ सेल्स डिवीजन, सेल डिवीजन मैच्योर सेल्स होते हैं। ठीक है, इनमें इनकैपेबिलिटी होती है, मीन्स इनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, उसको हम लोग अस्थाई उत्तक कहा जाता है। जिस उत्तक में विभाजन की क्षमता नहीं होती है उसे अस्थाई उत्तक कहा जाता है, यानी परमानेंट टिश्यू कहा जाता है। हम लोग परमानेंट टिश्यूज के डिवीजन देख लेते हैं, फिर हम लोग मेरिस्टमैटिक टिश्यूज के डिवीजन भी देखेंगे, मीन्स इसके भी टाइप्स देखेंगे। ठीक है, तो परमानेंट टिश्यूज के जो प्रकार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यूज किसको कहा जाता है, सिंपल परमानेंट टिश्यूज कहा जाता है कंपोज्ड ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल्स। सिंपल परमानेंट टिश्यूज को कंपोज्ड ऑफ सिंगल परमानेंट सेल को, सिंगल टाइप ऑफ परमानेंट सेल्स को क्या
क्या कहा जाता है? सिंपल परमानेंट टिश्यूज कहा जाता है, जो अस्थायी ऊतक समान रचना एवं कार्य वाली कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसे सरल अस्थायी ऊतक कहते हैं। यानी जो अस्थायी ऊतक परमानेंट टिश्यूज में समझ में आ ही रहा है कि अस्थायी ऊतक है, इसमें डिवीजन की क्षमता नहीं होती है, लेकिन जो अस्थायी ऊतक समान रचना यानी कि इनकी एक ही जैसी रचना होती है और एक ही प्रकार के कार्य वाली कोशिकाओं से मिलकर बना होता है तो उसको हम लोग सरल अस्थायी ऊतक कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में क्या होता है? कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, इसमें एक से अधिक प्रकार के सेल हो सकते हैं, ये एक ही समान रचना वाली है, ठीक है, इसमें ध्यान देना है। और इसमें क्या है, एक से अधिक प्रकार वाली, यानी जो अस्थायी ऊतक असमान रचना एवं कार्य वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो परमानेंट टिश्यूज के टू टाइप्स हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, यानी सरल अस्थायी ऊतक और जटिल अस्थायी ऊतक, ठीक है, ये दोनों देख लिए। अब हम लोग देखते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यूज के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। मेरिस्मेटिक टिश्यूज यानी कि जो मेरिस्मेटिक परिवाही ऊतक है उसके क्लासिफिकेशन किया जाएगा यानी उसको बांटा जाएगा, तो मुख्यतः तीन भाग होते हैं, एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यूज, लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यूज और इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यूज। हिंदी में इसको कहा जाता है अग्रस्थ परिवाही ऊतक, पार्श्व परिभाषी ऊतक और अंतर्वेशी परिभाषी ऊतक, इंटरकैलरी मीन्स अंतर्वेशी परिभाषी ऊतक। एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यूज कहाँ पाया जाता है? यह ऊतक जड़ एवं तना के शीर्ष भाग, मीन्स एपिकल्स का नाम समझ में आ रहा है कि यानी कि उसके ऊपरी हिस्से में, यानी जो सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है जड़ का या तना का, उसके शीर्ष भाग में पाया जाता है। और इसका काम क्या होता है? यह लंबाई में, पौधों की लंबाई में वृद्धि करता है। लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यूज यानी कि पार्श्व परिभाषी ऊतक जिसको हिंदी में कहा जाता है, या पौधों के पार्श्व भाग यानी कि पार्श्व भाग में पाया जाता है, और ये क्या काम, इसका काम क्या होता है? मोटाई में वृद्धि करता है। इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यूज ये कहाँ पाया जाता है? इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यूज पाया जाता है ये पत्तियों के आधार के नीचे इंटरकैलस वाले भाग में पाया जाता है। इंटरकैलरी मीन्स होता है कि बेस, जो लीफ का जो बेस होता है उसके नीचे जो बेस होता है, मीन्स ये लीफ है तो लीफ का जो निचला वाला हिस्सा होगा उसके बेस में ये पाया जाता है, और उससे संबंधित ये क्या करता है, ये नोड्स और इंटर नोड्स को, ये नोड्स और इंटर नोड्स को ये क्या करता है, बढ़ने का, उसके लंबाई में वृद्धि का काम करता है, ठीक है। तो मेरिस्मेटिक टिश्यूज हम लोग पढ़ेंगे अभी। मेरिस्मेटिक टिश्यूज क्या होता है? जिस ऊतक की कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है उसे हम लोग परिभाषी ऊतक कहते हैं, ठीक है, परिभाषी ऊतक। और ये कहाँ होती है, इसकी रचना कैसी होती है? ऊतक कोशिकाएं जो होती है इमेच्योर एवं आकृति में गोल होती है, अंडाकार होती है और ये बहुभुजी भी होती है। इनमें सबसे बड़ी क्या होती है? इसमें विभाजन की क्षमता होती है। यह कोशिका भित्ति पतली समांगी और सेलुलोज की बनी होती है, सॉरी इसमें सेलुलोज की बनी होती है। और कोशिकाओं में सक्रिय जीव द्रव अधिक मात्रा में पाया जाता है, केंद्रक की भी बड़े होते हैं और इनमें रसधानियां नहीं होती है, रसधानियां नहीं होती है, और होती भी हैं तो बहुत छोटी छोटी होती हैं। यानी इस ऊतक के बारे में कहा जा रहा है कि यह ऊतक आकृति में गोल, अंडाकार और बहुभुजी होती है, इसमें विभाजन की क्षमता होती है, और क्या होता है, इसमें कोशिका भित्ति पतली और समांगी और सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है, और इसमें रसधानियां नहीं होती है, ठीक है, और जब यदि होती भी है तो छोटी छोटी होती है। यह ऊतक कहाँ पाया जाता है? यह ऊतक जैसे कि इसके डिवीजन, इसके क्लासिफिकेशन से ही पता चल रहा है कि यह ऊतक मुख्य रूप से तना जड़ के शीर्ष में पाया जाता है, इसके अतिरिक्त पत्ती के आधार में पाया जाता है, जैसे यहाँ बताया गया पत्ती के आधार में, इंटरकैलस में, उसके बाद पर्वसंधि के नीचे और पौधों के पार्श्व भाग में भी पाया जाता है, जो लंबाई में मोटाई करता है, पौधों के मोटाई में वृद्धि करता है, और कुछ परिभाषी ऊतक अस्थायी ऊतक के बीच में भी पाए जाते हैं। इनका कार्य क्या होता है? इस ऊतक के द्वारा जड़ और तना की लंबाई और मोटाई में वृद्धि होती है, और इसी ऊतक के द्वारा परमानेंट टिश्यूज का भी निर्माण होता है। तो मेरिस्मेटिक टिश्यूज के द्वारा ही परमानेंट टिश्यूज का भी निर्माण होता है, ठीक है, ये समझ में आया। मेरिस्मेटिक टिश्यूज में हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू टिश्यूज एंड ऑर्गन, इंक्रीज द लेंथ ऑफ रूट शूट और ब्रांचेस, फॉर्मेशन ऑफ न्यू लीव्स बर्ड्स फ्लावर्स में भी बनाने काम करते हैं, और हेल्प्स टू फॉर्म प्रोटेक्टिव कवरिंग, ये पौधों के प्रोटेक्ट कवरिंग, जो पौधों का जो कवर होता है ना ऊपरी हिस्सा, उसको भी ये प्रोटेक्ट करने का ये ऊतक काम करता है, ठीक
ठीक है। अब परमानेंट टिश्यूज का काम क्या होता है? परमानेंट टिश्यू, जिस तरह से नाम से ही पता चला कि परमानेंट टिश्यूज के, जिस तरह से हमने अभी बताया कि टू टाइप्स होते हैं, एक सिंपल परमानेंट टिश्यूज और जटिल परमानेंट टिश्यूज। तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज मैच्योर सेल्स विद थिन टू हार्ड सेल वॉल विच आर नॉट कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, मैच्योर सेल्स होते हैं, इसकी पतली सेल वॉल भी होती है, विथ थीन और हार्ड सेल वॉल होता है इसका। बहुत ही इसमें जैसे सॉफ्ट होता है तो उसमें हार्ड होता है, तो हार्ड होने के कारण उसमें सेल डिवीजन की क्षमता नहीं होती है, नॉट कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन। इसका लोकेशन क्या है? ये रूट, स्टीम और लीव्स में पाया जाता है। इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य यही होता है कि ये सिंथेसिस करते हैं, स्टोरेज करते हैं और कंडक्शन करते हैं वाटर का, फूड का, और प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ और रिजिडिटी ऑफ प्लांट, उसको अस्थायित्व प्रदान करते हैं। ठीक है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं जो आंतरिक रूप से उसकी मजबूती प्रदान करते हैं, और कंडक्शन ऑफ वाटर, फूड, इसी में जाइलम और फ्लोएम भी आता है, जो कि यहाँ पर यदि सरल अस्थायी ऊतक को आप क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसमें भी आपके तीन क्लासिफिकेशन हो जाएंगे, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्केलेन्काइमा, जो कि आपके आगे क्लास में आपको पढ़ने को मिलेगा। लेकिन अभी सिर्फ उसके बारे में इतना ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, ताकि और भी आपको इतना अभी टिश्यूज के बारे में जानिए। ये प्लांट टिश्यूज हमने अभी यहाँ पर कवर किया। आई होप सो कि आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। यदि टिश्यूज से रिलेटेड कुछ भी दिक्कत होती है, कुछ प्रॉब्लम होता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जरूर आंसर करूंगी। ओके, सो हमारे चैनल को देखते रहिए, शेयर जरूर करिए, ताकि और भी बच्चों को लाभ मिल सके। ओके, कीप वॉचिंग, बाय बाय, थैंक यू।